हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज का हमारा वीडियो बनाया कि अपने बाइसेप को चौड़ा कैसे कर सकते हैं, आगे की तरफ कैसे कर सकते हैं। क्योंकि भाई बहुत भाइयों का बाइसेप जो सिंपल होता है और वो हाफ बाजू की टी शर्ट पहनते हैं तो उनका जो मतलब सिंपल लगता है, और आपका बाइसेप है चौड़ा एकदम आगे की तरफ है तो भाई हाफ बाजू की टी शर्ट पहनते हो तो भाई लोग कहते हैं कि भाई को इसका क्या बाइसेप है। तो बाइसेप को ही चौड़ा करने के लिए उसी के लिए मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्कआउट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, इसी के हमारा बाइसेप चौड़ा हो जाएगा, मस्कुलर हो जाएगा और आगे की तरफ रसगुल्ले की तरह निकल जाएगा। तो आइए नाटा मेज के तो स्टार्ट करते हैं लेट्स गो। तो मैंने यहाँ पर दो ईंट ले रखी है तो दोनों ईंटों के साथ एकदम पूरे बाइसेप को ट्रेन कर देंगे, मस्कुलर कर देंगे। तो ये नाटा मेज के तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो हम वर्कआउट लगाएंगे इस कंडीशन में लगाएंगे, तो हम पहला वर्कआउट इस कंडीशन में लगाना क्योंकि हम जो यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं अपने बाइसेप को चौड़ा करने के लिए कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें अपनी मतलब स्टैंडिंग पोजीशन बनानी है बाइसेप की। तो इस कंडीशन में अपने बैक पे थोड़ा मतलब बैक को निकाल के इस कंडीशन में अपने आर्म्स को रख लेना है, यानी कि अपने बाइसेप को रख लेना है इस कंडीशन में, पूरे बाजू को अच्छी तरीके से सेट कर लेना है और इस कंडीशन में पूरा एकदम स्क्यूज करके और मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन बना के वर्कआउट करना है। इस कंडीशन में सिंगल सिंगल हैंड से बताऊंगा मैं आपको, पहले इस कंडीशन में पूरा स्क्यूज करना है और पूरा नीचे की तरफ स्क्यूज, और यहाँ पर हमें थोड़ा मतलब अपने हाथ को नीचे नहीं छोड़ना है, मतलब ढिल्ला नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत भाई क्या ढिल्ला छोड़ देते हैं तो हमारी जो बाइसेप की बॉल मूवमेंट है तो वो बिगड़ जाती है। तो आपका ऐसा नहीं करना है, एकदम अपने हाथ को यहाँ पर रोक के रखना और सीधो नीचे रहना, हाथ को ढिल्ला नहीं छोड़ना है, बॉल मूवमेंट बना के इस कंडीशन में। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में करना है और दोनों हैंड से आप एक साथ भी कर सकते हैं और जो सिंगल सिंगल हैंड से भी इस वर्कआउट को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो अगला वर्कआउट लगाएंगे हम इस कंडीशन में, अगला वर्कआउट हम इस कंडीशन में लगाएंगे तो हम यहाँ पर दोनों ईंटों को जोड़ लेना है, इस कंडीशन में दोनों ईंटों को जोड़ लेना है और पूरा एकदम स्क्यूज और बॉडी को होल्ड करके, बॉडी को होल्ड करना है क्योंकि भाई बहुत भाई क्या है कि मतलब ऐसे ज़्यादा वेट ले लेते हैं या फिर इस कंडीशन में करते हैं तो उससे हमें इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं और हमारी मसल पे भी लोड नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर अपने मतलब बाइसेप को पंप करने के लिए, ट्रेन करने के लिए वर्कआउट करें तो पूरा एकदम मसल पे लोड आना चाहिए, बाइसेप की मसल पे लोड आना चाहिए। तो इस कंडीशन में स्टैंडिंग पोजीशन बनानी है हमें और यहाँ पर फिर से हमें स्टैंडिंग पोजीशन बनानी है, मतलब बाइसेप को अपने को बैक पे रखना थोड़ा इस कंडीशन में, सिलो ऊपर की तरफ और स्क्यूज नीचे, सिलो ऊपर। और इस वर्कआउट में भी हमें अपने दोनों हाथों को ढिल्ला नहीं छोड़ना, नीचे जाते टाइम ढिल्ला नहीं छोड़ना जिससे कि हमारी बॉल मूवमेंट ना बिगड़े। स्क्यूज इस कंडीशन में सामने से पूरा एकदम स्टैंडिंग पोजीशन बना के ऊपर स्क्यूज, सिलो नीचे और स्क्यूज। और भाई हर एक्सरसाइज आपको इस कंडीशन में लगानी है कि मसल फेलियर तक हमें जाना है, क्योंकि जब भी हमारी मसल पे अच्छा लोड आएगा, जब तक हमारी मसल ये ना कह दे कि मैं पूरी तरीके से ट्रेन हो चुकी हूँ थोड़ा रेस्ट ले लो, तो ये जब तक आपको वर्कआउट करते रहना है करते रहना, जब भी हमारी मसल ग्रो करेगी, जब भी हमारी मसल का साइज बढ़ेगा। और अगला वर्कआउट जो हम लगाएंगे इस कंडीशन में लगाएंगे, फिर से हमें दो ईंटों की जरूरत पड़ रही है इस कंडीशन में, तो फिर से हम इस कंडीशन में ईंटों को जोड़ेंगे और फिर से हम इस कंडीशन में चौड़ा करेंगे थोड़ा और फिर से हम स्टैंडिंग पोजीशन बनाएंगे, सिलो सिलो ऊपर की तरफ इस कंडीशन में, सिलो ऊपर और ये सिलो नीचे, क्योंकि आखिरी हमने मतलब पहली जो एक्सरसाइज लगाई थी इस कंडीशन में लगाई थी खड़ी ईंट करने के बाद, और अब हम लगा रहे हैं थोड़ी ग्रिप चेंज करके। तो इस कंडीशन में पूरा एकदम स्क्यूज करके ऊपर की तरफ स्क्यूज, सिलो नीचे स्क्यूज करना, पूरा एकदम मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन बना के सिलो कंट्रोल स्क्यूज, पूरा बाइसेप पे लोड इस कंडीशन में, पूरा लोड डाल के इस कंडीशन में, क्योंकि आपकी फॉर्म बढ़िया होनी चाहिए। कोई भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, किसी भी मसल को ट्रेन करने के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं तो भाई हमारी फॉर्म अच्छी होनी चाहिए जब हमारी मसल पे लोड आएगा, और हम मतलब वर्कआउट करें तो जब हमारा वर्कआउट सक्सेस होगा यानी कि हमारी मसल का साइज तभी बढ़ेगा। तो अब हम लगाएंगे आखिरी और फाइनल वर्कआउट जो कि हमें इस कंडीशन में लगाना है, क्योंकि भाई जब मतलब हम हाफ बाजू की टी शर्ट पहनते तो हमारी हाफ बाजू की टी शर्ट यहाँ तक होती है और हमारा जो मतलब बाइसेप आगे की तरफ चमके, मतलब हमारी बॉल मूवमेंट क्लियर हो, उसी के लिए ये वर्कआउट बता रहा हूँ आपको। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर फिर से हमें जब जैसे कि हम बैक लगाते हैं तो उस पोजीशन में हमें इस कंडीशन में स्टैंडिंग पोजीशन बनानी है, इस कंडीशन में सिंगल सिंगल हैंड से भी कर सकते हैं और इस वर्कआउट को दोनों हैंड से एक साथ भी कर सकते हैं, और हर एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट निकालने हैं मैक्सिमम और रेपिटेशन मसल फेलियर तक इस कंडीशन में। तो ये वर्कआउट हमें इस फॉर्म में लगाना है, ये पूरा स्क्यूज ऊपर, क्योंकि भाई जब तक हमारी बॉल क्लियर नहीं होगी तो हमारा जो मतलब बाइसेप है तो भाई वो चौड़ा कैसे दिखेगा। तो हमारी बॉल क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो ये एकदम हमारी बॉल को क्लियर कर देगी बाइसेप बॉल को इस कंडीशन में, ये तो दूसरे हैंड से आपको इस कंडीशन में स्लो स्लो स्क्यूज करना है पूरा मसल पे लोड डाल के। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में करना है जिससे कि हमारी जो ये मैड़ की है, कि कोई बहुत भाइयों का मतलब कहने का तरीका अलग होता है कि भाई मेरी मैड़ की मोटी हो जाए, तो भाई इससे आपकी मैड़ की जो है ये मतलब बाइसेप का गुल्ला है, यानी कि बाइसेप बॉल है,
तो ये आपकी क्लियर हो जाएगी। और हाफ बाजू की टी शर्ट पहनोगे तो आपका जो डोला आगे की तरफ हो जाएगा, आगे की तरफ हो जाएगा। जब तक आपकी मतलब बॉल मूवमेंट नहीं है तो भाई आगे की तरफ कैसे होने वाला, तो इस वर्कआउट को फॉलो करोगे तभी आपकी बॉल मूवमेंट आगे की तरफ होने वाली है। टी शर्ट पहनोगे लोग देखेंगे, गली मोहल्ले में जाओगे, बस्ती में जाओगे कि भाई का क्या डोला, इतना चौड़ा डोला मुझे भी करना, आपसे पूछेंगे, टिप्स पूछेंगे आपसे। तो भाई आपका जो डोला मतलब बाइसेप है तो जब तकड़ा होने वाला है तब आप डाइट अच्छी लेते हैं, क्योंकि भाई जब हम मतलब पेड़ को पानी देते हैं जब तो बड़ा होता है, और जब हम अपनी मसल को डाइट देंगे अच्छी हाई प्रोटीन डाइट देंगे तो जब ही हमारी मसल ग्रो करेगी। तो भाई वर्कआउट से आपकी मसल ग्रो होने वाली नहीं है, बाइसेप की बाइसेप चौड़ा होने वाला बिल्कुल नहीं है। आपको डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, जैसे कि आप जो भी आपके बजट में आता है, काले चने ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, इनमें एकदम हाई प्रोटीन है, सोया चंक्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, इनमें एकदम भरपूर प्रोटीन है, हमारी मसल को तकड़ा करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर लानी है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।